वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन तो आज की जो रेसिपी है वो है मक्खनी चिकन पालक की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनती है इस तरह चिकन और पालक अगर मक्खन के साथ बनाएं तो इस तरह इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये बिल्कुल फ्री है तो यहाँ पर हमने ली है फ्रोज़न पालक जो है वो ली है अब इसको हम एक की में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे दो टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल के यानी कि सरसों के तेल के बस यही चीज़ें डाल के तो हम इसको पकाएंगे के लिए हम पालक को पकाएंगे अब एक और देचकी लेंगे इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल हसब जरूरत यानी के आधा कप तो पालक के अंदर भी हमने सरसों का तेल ही डाला है दो टेबल स्पून और स्पाइसिस में लेंगे यहाँ पर है सुरख नमक लेंगे एक टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है एक टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चे हैं एक टी स्पून हल्दी है हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है एक टी स्पून और ज़ीरा पाउडर है एक टीस्पून नमक क्योंकि पालक के अंदर भी होता है इसलिए हमने कम ही रखा है आप चेक करके दोबारा भी डाल सकती हैं और नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें तो यहाँ पर आयल जो है वो गर्म हो चुका है इसके अंदर डाल दिया है एक प्याज इस तरह स्लाइस में काट के ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर हम बहुत ही बारीक और ये रफली सा प्याज मैंने इस तरह काट दिया है ये डाल देंगे प्याज़ को हमने हल्का सा ब्राउन करना है ये देखें इसका कलर जो है थोड़ा सा बदल गया है और हल्का सा लाइट ब्राउन भी हो गया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी की चीज़ें यानी कि लहसन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे एक एक टी स्पून क्योंकि प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना उससे एक तो कलर जो है वो उसका जो होता है वो ख़राब हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता तो इसलिए हम इसके अंदर डाल देंगे अब एक एक टी स्पून लहसन और अदरक का पेस्ट इसको हम तीन मिनट के लिए सोते करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए और अच्छे से मसाले को बुनेंगे यहाँ पर अच्छे से हमने मसालों को भून लिया है अब इसके अंदर डाल देंगे एक टमाटर छिलका उतार लिया है और रफली सा आटा है वो डाल देंगे और सब्ज़ मिर्च है एक वो डाल देंगे बाकी के मसाले जो हैं वो भी साथ ही इसके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम भुनेंगे मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि जो टमाटर डाला है वो थोड़ा सा नम, नरम और सॉफ्ट हो जाए आप इसको कवर कर देंगे दो से तीन मिनट के लिए यहाँ पर इसको रखे हुए तीन मिनट हो गए हैं टमाटर जो हैं वो अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो गए हैं उसका भी पानी है टमाटर का भी उसको भी सुखा लेंगे अब अच्छे से हमने इस मसाले की बुनाई करनी है ये देखें अच्छे से मसाले की बुनाई हो चुकी है टमाटर बिल्कुल भी अब नज़र नहीं आ रहा मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है देखिए अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन चिकन डालेंगे और इसको तब तक हम इस तरह चम्मच चलाएंगे जब तक इसका जो कलर है वो व्हाइट ना हो जाए और थोड़ा सा चूल्हे को हम तेज कर देंगे अब तीन मिनट के बाद अब इसको हम कवर कर देंगे और आंच को हम हल्का रखेंगे ताकि जो चिकन पानी छोड़े उसी पानी के अंदर वो गले तो यहाँ पर जो पालक है उसको भी आधा घंटा हो गया ये देखें इसको त्या ये तैयार है इसको अब साइड पे कर देंगे आधे घंटे के लिए हमने इस तरह पालक को पका लिया है सिर्फ इसके अंदर हमने सरसों का तेल डाला है दो टेबल स्पून और इसको हल्की आंच पर रख दिया था ये डब्बे वाली पालक है ये देखें चिकन का जो पानी है उसी पानी के अंदर हमने इसको गलाया है अब गैस को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसकी बुनाई करेंगे क्योंकि पहले हमने चिकन की बिल्कुल भी बुनाई नहीं की थी बस उसका जो कलर जब बदल गया था तो हमने इसको कवर कर दिया था तो यहाँ पर ये देखें अच्छे से चिकन की बुनाई हो रही है पानी बिल्कुल खुशक है और ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ गया है चिकन की हमने बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इस तरह इसकी स्मेल भी नहीं आएगी और बुनाई भी बहुत ही अच्छे से होगी तो अच्छे से बुनाई कर ली है अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो पालक हमने तैयार करके रखी हुई थी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बहा इसको हमने पकाना है पाँच से दस मिनट के लिए और ताकि जो पालक के अंदर थोड़ा बहुत पानी था वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन के साथ पके पाँच से दस मिनट और पकाएंगे कवर कर देंगे और हल्की आंच पर रखेंगे सब्ज़ मिर्चें और डाल देंगे इसके अंदर दरमियान में इसलिए चम्मच चला रहे हैं ताकि ये पालक जो है बहुत ही जल्दी नीचे लग जाती है नीचे ना लगे फिर से कवर कर देंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन तो दस मिनट हो गए हैं ये देखें आयल जो है सारा ऊपर आ गया है अब हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये तैयार है और इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे दो टेबलस्पून के करीब मक्खन और सबज मिर्ची डाल देंगे काट इस तरह और अब इसको कवर कर देंगे और इसको दो से तीन मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सारा ही चिकन और पालक में आ जाए मक्खन का और सब्ज़ मिर्चों का तो यहाँ पर दो से तीन मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए अब हम इसको मिक्स करेंगे बहुत ही मज़े की ये बनती है अगर इस तरह बनाएं तो अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है तो मज़ेदार सी बटर पालक यानी कि मक्खन पालक जो है वो हमारी तैयार है बहुत ही टेस्टी बनती है ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड जो ऑयल है वो बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ फैमिली मैंबर के साथ और मुझे अपनी दवाओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़